नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि। मुझे ये बताते हुए बहुत ही दुख हो रहा है कि हमारी मुसीबतों को बढ़ाने के लिए एक और नया मेहमान आ गया है। एस्परगिलोसिस, कोरोना वायरस, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस, क्या कम थे कि अब ये एस्परगिलोसिस आ गया है हमारी परेशानियों को बढ़ाने के लिए। तो एस्परगिलोसिस क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं, क्या कॉजेज हैं, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए हमें, एक्सेट्रा, इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको पहले बता दें कि जो एस्परगिलोसिस है, यह एक तरीके का फंगल इन्फेक्शन है जो कि फंगस से फैलता है, और CDC, जो कि सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है, उसके अकॉर्डिंग एस्परगिलोसिस एक इन्फेक्शन है जो कि एस्परगिलस से होता है। और ये एस्परगिलस क्या है, तो एस्परगिलस एक तरीके का मोल्ड है, एक एक टाइप का फंगस है जो कि कहीं भी हमारे इन्वायरमेंट में पाया जाता है। देखिए, बात कर रहे हैं हम फंगल इन्फेक्शन के बारे में, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि फंगल इन्फेक्शन, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस पर मैंने ऑलरेडी दो वीडियो बना रखा है। यदि आपने मेरे उस वीडियो को नहीं देखा तो आप उसे जाकर जरूर देख लेना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो CDC ने कहा कि ये जो एस्परगिलोसिस है वह एस्परगिलस नाम के फंगस से होता है, और यह मेनली हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट कर रही है। जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसे ही यह अफेक्ट कर रही है। और इसका पहला केस, हालांकि इसके केसेस अधिक नहीं है, इसका पहला केस जो है गुजरात के वडोदरा में देखने को मिली है। वडोदरा में 8 केसेस एस्परगिलोसिस के सामने आई है। हालांकि गुजरात में ब्लैक फंगस के केसेस बहुत है, 11,000 से भी अधिक केसेस जो है वो ब्लैक फंगस के गुजरात में देखने को मिले हैं, और वहीं गुजरात के वडोदरा में ही एस्परगिलोसिस का फर्स्ट केस सामने देखने को आया है। बात करें हम सिम्टम्स की, तो इसका सिम्टम्स जो है वो कुछ क्लियर नहीं है। ये डिपेंड करता है कि फंगस ने हमारे किस बॉडी ऑर्गन को, किस बॉडी पार्ट को इन्फेक्ट किया है। देखिए, एस्परगिलोसिस जो होते हैं वो बहुत तरीके के होते हैं, जैसे एस्परगिलोमा हो गए, इन्वेसिव एस्परगिलोसिस हो गए। तो हर एक का सिम्टम्स जो है उसमें कुछ कुछ चेंजेस होता है। एस्परगिलोमा के कुछ सिम्टम्स अलग हैं, इन्वेसिव एस्परगिलोसिस के सिम्टम्स अलग है। तो ये डिपेंड करता है कि फंगस ने हमारे किस बॉडी पार्ट को, किस किस बॉडी पार्ट को इन्फेक्ट किया है। और वैसे कुछ कॉमन सिम्टम्स देखिए तो फीवर, आपको कफ में ब्लड आ सकती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में दिक्कत है, सांस की कमी, चेस्ट पेन, बॉडी जॉइंट पेन, हेडेक, ये सारे जो है वो कॉमन सिम्टम्स हैं एस्परगिलोसिस के। देखिए, इस ये जो है मेनली हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को तो इन्फेक्ट कर ही रही है, साथ ही साथ हमें हमें बहुत सारे एलर्जिक रिएक्शंस हो रहे हैं, हमारे बॉडी ऑर्गन्स को इन्फेक्ट कर दे रही है ये, या यहाँ तक कि लंग्स को भी यह इन्फेक्ट कर रही है। तो यह जो है एक तरीके का डेंजरस ही है हमारे लिए। अब देखिए, सवाल यह आता है कि इस एस्परगिलोसिस से किसे अधिक खतरा है। तो देखिए, फंगल इन्फेक्शन है, कोई भी फंगल इन्फेक्शन हो, सबसे पहले फंगल इन्फेक्शन से उन्हीं लोगों को खतरा है जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो कमज़ोर है, जिनका इम्यूनिटी जो है वो वीक है। तो पहले तो वैसे लोग आते हैं कि जिनका इम्यूनिटी कमज़ोर हो। दूसरा, COVID-19 के पेशेंट, या फिर जो वैसे लोग जो COVID-19 से रिकवर हो चुके हैं, क्योंकि इन लोगों में क्या है ना कि इस कोरोना वायरस के कारण इनकी इम्यूनिटी, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो कमज़ोर हो गई है, जिसकी वजह से चांसेस है कि एस्परगिलोसिस फंगल इन्फेक्शन उन्हें हो सकती है। साथ ही साथ वैसे लोग जिन्हें सांस की प्रॉब्लम, अस्थमा हो, साइस्टिक फाइब्रोसिस हो, तो जिन लोगों को यह सब दिक्कतें हैं तो उन्हें अधिक चांसेस हैं कि यह एस्परगिलोसिस फंगल इन्फेक्शन हो सकती है। अब बात यह आती है कि कॉजेस क्या है, यह कैसे फैलता है। तो देखिए, इरेशनल यूज ऑफ स्टेरॉइड्स, जो कि स्टेरॉइड्स जैसा कि हम जानते हैं कोविड के ट्रीटमेंट में यूज की जाती है, तो उसका अधिक इस्तेमाल हमारे इम्यूनिटी के लिए अच्छा नहीं है।
जिसकी वजह से एक कारण, इनमें से एक कारण यह भी है एस्परगिलोसिस के बढ़ने की, या कोई भी फंगल इन्फेक्शन के बढ़ने का कारण है, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी को जो कमजोर कर देता है, तो हम फंगल इन्फंगस जो है हमारे बॉडी को इजली अफेक्ट कर देती है। साथ ही साथ अनहाइजीनिक सराउंडिंग्स हो गया, हमारा अनहाइजीनिक कंडीशन है या अनसैनिटरी कंडीशन, पुअर हाइजीन, तो ये इन सभी वजह जो है वो फंगस को जन्म देते हैं, और फंगस यदि हमारी इम्यूनिटी कमजोर है तो इजली हमारे बॉडी को इन्फेक्ट कर देती है। मैंने अपने पिछले दो वीडियो में पहले ही बता रखा है कि फंगस इन्फेक्शन हमें कैसे होता है, वो हम फंगस हमारे बॉडी को कैसे इन्फेक्ट करता है। तो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि मेरे उस वीडियो को आप जरूर देखें। अब सवाल यह भी उठता है कि कैसे पता लगाया जाता है कि फंगल इन्फेक्शन हुआ है। तो देखिए, सिम्टम्स दिख रहे हैं और आप टाइमली डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर मेनली एक्सरे सीटी स्कैन के थ्रू ही पता लगा रही है कि कौन सा फंगल इन्फेक्शन हुआ है। अब इसका ट्रीटमेंट जो है, कोई भी इसका ट्रीटमेंट जो है एंटी फंगल मेडिकेशन, यानी कि जितने भी फंगल इन्फेक्शन है उसका एक ही ट्रीटमेंट है एंटी फंगल मेडिकेशन। तो और बात करें हम प्रिकॉशंस की, तो अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सैनिटरी मेंटेन रखें, अपने आसपास में, आसपास के सराउंडिंग्स में साफ सफाई रखें, जिससे कि फंगस जो है वो पनपने ना पाए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो सलमान खान का एक डायलॉग है ना, स्वागत नहीं करोगे हमारा, वो इन फंगस पर एकदम सूट कर रहा है। एक के बाद जैसे फंगल इन्फेक्शन बढ़ते नजर आ रहे हैं, पहले ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, येलो फंगस, और अब ये एस्परगिलोसिस। तो ऐसा लग रहा है ना कि एक के बाद ये लोग आ रहे हैं और कह रहे हैं कि स्वागत नहीं करोगे हमारा। मतलब सलमान खान ने गाना क्या निकाल दिया कि स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। तो ये फंगल इन्फेक्शन और वायरस जस्ट प्लस साइक्लोन्स, ये लोग तो कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गए। इन लोगों को भी खातिरदारी करवानी है अपने इंडिया में। तो यह था एस्परगिलोसिस से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन। तो इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में और भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलेंगे। हमारा अब तक का साथ देने के लिए धन्यवाद।